बेरोजगारों युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र में खाली पड़े पदों को मोदी सरकार जल्द भरने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार तकरीबन 7 लाख पदों पर जल्द पर भर्ती होगी। देखिए इसी पर ये स्पेशल रिपोर्ट। बेरोजगार युवा के लिए बड़ी खबर, खाली पद को भरेगी मोदी सरकार। 7 लाख पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। आज के वक्त में भारतीयों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंता है। देश में हर साल सैकड़ों छात्र कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बेरोजगार हैं। इधर सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं जो काफी हैरान कर देने वाले हैं। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में करीब 7 लाख पद खाली पड़े हैं। एक डेटा के अनुसार 1 मार्च 2018 तक 38 लाख पद पर 31.18 पद पर कर्मचारी नियुक्त थे। रेलवे में करीब 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं। वहीं डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस सेक्टर में यह आंकड़ा 1.9 लाख का है। तकरीबन हर मंत्रालय में पद खाली पड़े हैं। हाल ही में एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में 12,936 बेरोजगारों ने और स्वरोजगार से जुड़े 13,149 लोग ने खुदकुशी कर ली। ये आंकड़ा कृषि से जुड़े खुदकुशी करने वाले 10,349 लोगों की तुलना में ज्यादा था। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ने खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT ने सभी मंत्रालयों और विभागों को 21 जनवरी को चिट्ठी लिखी, जिसमें केंद्र के खाली पदों को भरने के लिए तुरंत ही कदम उठाने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।